राज्य में चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के अंतिम दिन गुरुवार को झारखंड कांग्रेस के कई नेता कार्यकर्ता अपने सदस्यता अभियान की कॉपी जमा करने को लेकर प्रदेश कार्यालय पहुंचे और सदस्यता अभियान प्रभारी रामाश्रय सिंह को सौंपा। झारखंड कांग्रेस के नेता दीपू सिन्हा ने कहा कि सदस्यता अभियान के माध्यम से लोगों को जोड़ने के निर्देशानुसार मेहनत करके कई लोगों को जोड़ने का काम किया है और कई लोग कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़े हैं। हमारे प्रभारी हैं आदरणीय अविनाश पांडे जी के नेतृत्व में जो इस तरह का नया एक संचार हुआ, तो इससे सदस्यता अभियान को बहुत गति मिली है। मैं व्यक्तिगत रूप से एक छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते मैंने भी 5,000 मेंबरशिप किया अपने शहर, ग्रामीण क्षेत्रों और शहर का, और यहाँ के आदरणीय जो बड़े बड़े नेता हैं जो भी हैं वो लोग लाखों में कर रहे हैं, तो हमको लगता है डिजिटल फॉर्म में भी हमारा 1,00,000 क्रॉस कर गया पूरे झारखंड से कल तक का जो है, तो ये अपने आप में नया शुरुआत है कांग्रेस का। और जो जिस स्तर से कांग्रेस के लोग जुड़ रहे हैं, कांग्रेस में लोग जुड़ रहे हैं, हमको उम्मीद है कि आने वाला दिन कांग्रेस का यहाँ पर बहुत परचम लड़ेगा संगठनात्मक रूप से और नए लोगों को मिला कर करके, पुराने लोग को लेकर नए लोगों को जो सदस्य बनाए सबको मिला करके एक नए कांग्रेस का संवाद स्थापित हम लोग करेंगे। यही प्रेरणा के साथ आज सदस्यता अभियान को हम लोगों ने गति दिया। वहीं झारखंड कांग्रेस सदस्यता अभियान प्रभारी रामाश्रय सिंह ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में सदस्यता अभियान पूरी तरह से सफल रहा। उम्मीद है कि 15,00,000 सदस्य बनाने का टारगेट लगभग पूरा हो चुका होगा। काफ़ी एक्टिव और सक्रिय और लोकप्रिय अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी ने कार्यक्रम बना करके सभी जिला में जो प्रभारी नियुक्त किया था हम लोगों ने, उस जिला के प्रभारी भी जा करके जिला जिला में और विधानसभा के लिए भी प्रभारी नियुक्त किया गया था, वो प्रभारी लोग मिल करके काफ़ी संख्या में मेंबरशिप किए हैं और हमें ऐसा लगता है कि कई आगे वर्षों से या उससे पहले से काफ़ी संख्या में इस बार मेंबरशिप होगा। और जो जिस उद्देश्य से हमारे नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अविनाश पांडे जी जो हमारे प्रभारी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष जिस भावना से लोगों से मिल करके लोकप्रियता के साथ ही लोग ग्रहण किया है सदस्यता, इससे लगता है कि प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी होगी। बता दें कि 31 मार्च तक AICC के दिशा निर्देश पर झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे और झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को राज्य में 15,00,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया था। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट।